डॉक्टर्स ने बताया हीलिंग विदाउट मेडिसिन के नुस्खे, भोजन और विचार अच्छे रखने पर दिया जोर। संजय प्लेस स्थित होटल पीएल पैलेस में क्लब 35 प्लस द्वारा हीलिंग विदाउट मेडिसिन विषय पर आयोजित गोष्ठी में सोना कार्डिक केयर के डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने बताया कि भारतीय रसोई में खांसी, जुकाम, बुखार, एलर्जी आदि तमाम बीमारियों की दवाएं मौजूद है। भारतीय रसोई किसी फार्मेसी से कम नहीं। रसोई में मौजूद मसाले व अन्य सामग्री का प्रयोग करके हम न सिर्फ आर्थिक बचत कर सकते हैं बल्कि दवाओं के प्रयोग से बचकर अपनी प्रतिरोधक क्षमता को भी बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा ने महिलाओं में हृदय रोग संबंधी जानकारियाँ भी साझा की। तो देसी घी, सही देसी घी बना हुआ सबसे अच्छा है हमारे लिए, और सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ये सबसे अच्छा है। बाकी जो रिफाइंड तेल और ये होते हैं जैसे कि डालडा और वनस्पति और राजमा, ये सब ये नुकसानदायी होते हैं। फिर तेल गर्म होने पे जब काला पड़ जाता है तो वो फेंक देना चाहिए, क्योंकि उसमें पॉलीसैचुरेटेड वो बन जाता है। और आप जब भी आप कभी कोई नमकीन या पैकेट खरीदें उसमें देखें कि फैट किस तेल में बनाए, पॉलीसैचुरेटेड उसमें ऑयल में बनाए कि नहीं बनाए। सो अगर वो ज़ीरो है तो आपकी वो नमकीन और तेल की बनी हुई चीज़ बहुत अच्छी है आपकी। मक्खन आप खा सकते हैं, तेल आप ऑलिव ऑयल के जो बहुत फैशन है कि आप सब कुछ ऑलिव ऑयल में बनाइए, तो ऑलिव ऑयल आपको सैलेड के ऊपर कच्चा ऑलिव ऑयल खाने से ओके है, बट ऑलिव ऑयल में खाना पकाना नहीं चाहिए। ऑलिव ऑयल पकाने के लिए तेल नहीं, पकाने के लिए कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, ये सबसे ज़्यादा, और देसी घी यूज़ करते हैं। लेकिन ये डॉक्टर ने बताया कि देसी घी सबसे अच्छा शुद्ध और अच्छी चीज़ है, वो हमें खानी चाहिए ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऊपर से पराठे में डाल के खा रहे हैं या दाल में ऊपर से छड़का लगा के खा रहे हैं, एक मिनिमम मात्रा में, लेकिन हमें देसी घी ज़रूर खाना चाहिए। और सबसे अच्छा इन्होंने बताया नॉर्थ इंडियंस के लिए मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, क्योंकि यहाँ खेती उसी की होती है, हमें वो अच्छे से मिल जाता है, तो हमें मस्टर्ड ऑयल का सब्जियाँ बनाने में उसका बहुत प्रयोग करना चाहिए।